नेता से अभिनेता तक सब बन रहे हैं साइबर फ्रॉड का शिकार। कहीं आपको तो नहीं आ रहे हैं ऐसे मैसेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। रोजाना सैकड़ों ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। डीएमके के नेता दयानिधि मारन और एक्टर अफताब सिद्धासनी की ओर से भी हाल ही में ऐसी शिकायतें दी गई हैं। साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगने में जरा भी देर नहीं लगा रहे हैं। पहले साइबर स्कैम में आम लोगों को ठगा जाता था, लेकिन अब ठगों के निशाने पर बड़े लोग भी आने लगे हैं। लेकिन साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किस तरीके अपनाए जा सकते हैं? पहले दयानिधि मारन के मामले में चर्चा हो रही है। सांसद ने शिकायत की कि उनके साथ 9,99,000 रुपए का फ्रॉड किया गया। बता दें कि दयानिधि मारन पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन के बेटे और तमिलनाडु के पूर्व सीएम रहे पूर्व डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि के पोते हैं। उनके कोई ओटीपी भी नहीं बताया था। उनकी पत्नी प्रिया मारन के पास बिना पहचान वाले नंबर से फोन 3 बार आया। उनका एक्सिस बैंक में अकाउंट है जो पत्नी के साथ ज्वाइंट है। पत्नी ने किसी के खाते के बारे में नहीं बताया। फिर राशि कटने का मैसेज आया। वहीं अवतार शिवदासिनी के से मैसेज के जरिए ठग केवाईसी अपडेट करने का मैसेज आया था। ऐसा नहीं करने पर अकाउंट सस्पेंड करने की बात भी कही गई। जैसे ही एक्ट्रेस ने अनजान लिंक पर क्लिक किया, खाते में से 14,09,999 रुपए डिबेट हो गए। अभिनेता ने जब बैंक से संपर्क किया तो ये फ्रॉड निकला। फिर उन्होंने पुलिस को शिकायत की। अब आपको बताते हैं ये लोग कैसे ठगी को अंजाम देते हैं। बदमाश लोगों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए पार्ट टाइम जॉब का लालच देते हैं। लोग इस चक्कर में खुद को लुटवा बैठते हैं। यूपीआई के जरिए ठग आपको चूना लगाते हैं। सबसे पहले लिंक भेजा जाता है, उस पर क्लिक करने को कहा जाता है। फर्जी तौर पर लोगों को मैसेज भेज लोन आदि का ऑफर दिया जाता है। फिर ओटीपी मांगा जाता है, जिसके बाद चूना लगा दिया जाता है। ऑनलाइन ठगी शॉपिंग के जरिए ही हो सकती है। यूजर्स को लिंक भेजा जाता है, लिंक पर क्लिक हो जाता है तो ठग सभी डिटेल लेने के बाद खाते को खाली कर देते हैं। यूजर्स को यूट्यूब या इंस्टाग्राम वीडियो लाइक करने के बदले पैसा देने की बात कही जाती है। शुरुआत में लोगों का भरोसा जीता जाता है, जिसके बाद कुछ पैसा रिटर्न कर देने देते हैं, बाद में मोटा चूना लगा देते हैं। अब आपको बताते हैं कि इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अपनी बैंक डिटेल्स और ओटीपी कभी दूसरों से शेयर ना करें, ना ही अपने पासवर्ड आदि को किसी को बताएं। फर्जी कॉल से बचें। कई बार लोगों को हाई रिटर्न का लालच दिया जाता है, लेकिन ऐसा करने से बचाव करें। किसी भी जगह या मैसेज और वेबसाइट पर अनजान लिंक को क्लिक ना करें, वरना आपका खाता खाली हो जाएगा। आप लोगों को कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।